दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने 18 जोड़ी और पूजा स्पेशल ट्रेनों की सौगात दी है। यह सभी ट्रेनें बिहार के विभिन्न स्टेशनों से बनकर गोरखपुर के रास्ते दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ तक चलाई जाएंगी। इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि स्पेशल ट्रेनों में एक्सप्रेस सुविधा और एसी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यात्री समय से टिकटों की बुकिंग कर इन ट्रेनों का लाभ उठा सकते हैं। सीपीआरओ ने बताया कि मीडिया या अन्य सूचना के संसाधनों से यात्री ट्रेनों की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया। वो स्पेशल ट्रेन जो दीपावली पर्व है, छठ पर्व है, तमाम में इस तरह त्यौहार है और काफ़ी बदलाव आते हैं और जाते हैं, तो लेकिन क्या स्पेशल ट्रेनें जो आती हैं भीड़ बढ़ती है, इसके लिए कुछ ट्रेन चला जाए? अभी दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ और दीपावली आने वाली है, छठ आने वाला है, तो रेलवे प्रशासन लगातार पिछले वर्षों की बात, इस वर्ष भी पूजा के अवसर पर कई स्पेशल ट्रेन चलाया गया है इस रेलवे पर, जिसमें से लगभग 19 जोड़ी ट्रेनें चलाई गई थी जो नवरात्रि के अवसर पर ही शुरू की गई हैं और अभी लगातार चल रही हैं डिफरेंट डेट्स में, जिसको पेपर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, हमारे ट्विटर हैंडल, जो हमारा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है एनी रेलवे का, इसके अलावा जो हमारा फेसबुक है, उसके माध्यम से हम लोगों को ये बता रहे हैं कि कौन सी ट्रेन हमारी कब जाएगी। न्यूज़पेपर में ट्रेन जाने के पहले ही हम लोग सफिशियंटली इसकी पब्लिसिटी भी करते हैं, जिससे आम यात्रियों को, आमजनों को जानकारी मिल सके और वो लोग आराम से, आसानी से अपना सफ़र पूरा कर सकें। खास करके जो छठ त्यौहार है, बिहार के लोग आते हैं जी, बॉम्बे या दिल्ली, बिहार के लिए भी अलग से कोई ट्रेन है? बिल्कुल नहीं, बिहार के लिए भी उसमें जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, उसमें कई ट्रेनें मुजफ्फरपुर से चलाई गई हैं, बिहार के कई शहरों को टच करती हुई वो ट्रेनें जाएंगी और वहाँ से दिल्ली और मुंबई के लिए, चंडीगढ़ के लिए लगभग 18 जोड़ी कुल जो एनी रेलवे पर चलाई गई हैं, 18 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, उसमें से कई ट्रेनें बिहार को भी सर्व कर रही हैं।